हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी क्या है? चिकन तंदूर रेसिपी। तो हम किस पर बनाएंगे? सिगड़ी पर। सिगड़ी मतलब चूल्हा। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, तो वॉश कर लिया है अच्छे पानी से। बीच बीच में अभी हम चीर लगा देंगे। मम्मा, ये चीर क्यों मारा आपने ऐसा? चीर इसलिए कि मसाला उसमें भर जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, तो खाने में टेस्टी हो जाएगा ना। अच्छा, देख सकते हैं कि हमने दोनों साइड में चीर लगा दिया है। तो ये है धनिया पाउडर 2 चम्मच, और ये लाल मसाला। लाल मसाला, हाँ। और ये कौन, क्या है खुशबू? गरम मसाला। हाँ, गरम मसाला। हाँ, ये गरम मसाला 1 चम्मच लिया हमने। और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और ये काली मिर्च पाउडर। हाँ हाँ। अभी ये हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है, इतना बड़ा चम्मच। अब सब ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डालोगे? हाँ, ये हम डालेंगे कश्मीरी, क्या बोलते हैं, कसूरी मेथी। हाँ, तो हम इसको मसल के डाल देंगे, भूल जाते हैं। हाँ, डाल दिया। और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। और हम इसमें डालेंगे 2 अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा ही डाल देंगे। ऐड कर देंगे 100 ग्राम दही। तो गाइस, लाइट चली गई है और मैं वीडियो बनाएंगे ना, बोलो। मिक्स करेंगे। हाँ, मिक्स करेंगे। हम फूड कलर डाल देंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद क्या करेंगे खुशबू? मैरिनेट करेंगे 15 मिनट। 15 मिनट नहीं, 1 घंटा रख देंगे। 1 घंटे? हाँ, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने 1 घंटा रखा था और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप चाहे तो 2 घंटा भी रख सकते हैं, 3 घंटा भी रख सकते हैं, जितना टाइम तक रखेंगे उतना ही अच्छा आएगा। तो चलिए, आज हम तंदूरी किस में बनाएंगे खुशबू? चूल्हा में। चूल्हा यानी कोयले के चूल्हे। तो फिर दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं, ये हमारा रहा चूल्हा, जो कि कोयला एकदम गरम हो गया है। अब उसमें हम क्या रख देंगे खुशबू? ये जाली रख देंगे। जाली रख देंगे, हाँ। तो ये क्या है गाइस? ये चिकन तंदूरी है। तो चलिए अभी चूल्हे पे रखते हैं। चलिए है, बहुत देर से चूल्हा जल रहा है, अभी हम रख देंगे 1-1 पीस। हमने इसको पलट दिया है और लाइट चली गई थी। बीच बीच में बहुत लाइट जाती है, बारिश का मौसम है तो हमने नहीं दिखा सकी। अब हम इसके ऊपर से तेल इस तरह लगा देंगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास बटर नहीं था इसलिए नहीं लगाए, हम तेल ही लगा देते हैं। मन कर रहा है ऐसे ही खा लो। नहीं नहीं नहीं, अच्छी तरह से तेल लगा देते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि ये अभी पक चुका है, ये इस तरह से ये पक गया है। पक गया ना खुशबू? हाँ, पक गया। अब इसको ये पलट के भी देख लेते हैं। हाँ, इधर से भी देखते हैं। हाँ, ये दोनों पक गए हैं। अभी बहुत गर्म है ना, चटपटा है ना। तो गाइस, हम इसको निकाल लेंगे ऐसे इस प्लेट में। अभी मम्मी निकाल रही है। निकाल लेंगे इसको इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि निकाल लिया है। और फिर इसी तरह दूसरी बार डालेंगे हम। गाइज, आप देख सकते हैं कि दूसरा भी रख लिया है। और ये चूल्हे का टेस्ट तो देसी, गाइज देसी जुगाड़। मतलब इसका टेस्ट ही अलग रहता है ना चूल्हे का। इसी तरह हम दूसरी बार भी पलट देंगे। ये भी अच्छी तरह से पक गया है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से, हम देख सकते हैं। तो देखिए, चिकन तंदूरी बनके रेडी हो गया है। एक प्लेट में 1-1 करके निकाल लेंगे चिकन तंदूर और हम बीच में रख देंगे हरी चटनी। तो बारिश के मौसम में चिकन तंदूरी खाने का दोस्तों मज़ा ही कुछ और है कि नहीं, है ना खुशबू? हाँ, तो आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक आई तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।